G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी 8 देशों के नेताओं से करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कठुआ दुष्कर्म के नाबालिका आरोपी पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के दिए आदेश। तमिलनाडु में भाजपा प्रमुख ने फुटबॉल खिलाड़ी की मौत पर राज्यों के अस्पतालों पर उठाए सवाल। पंजाब में भारी बारिश के बाद पराली जलाने के मामले में कमी, एक्यूआई में हो रहा सुधार। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, 2024 में यूएस राष्ट्रपति की पेश करेंगे दावेदारी। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। मैनपुरी में उपचुनाव की जंग शुरू हो चुकी है। बता दें, बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन करने के दौरान उनके साथ 4 प्रस्तावक मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक नामांकन 2 सीटों में किया जाएगा, जिसमें 1 सीट में नामांकन हो चुका है और 2 बजे दूसरे सीट पर नामांकन किया जाएगा। मैं अभी कहना सभी मुलाकात हुई आपकी? इतने जनता की भाई परिवार से क्यों क्षेत्र में हर व्यक्ति से आशीर्वाद लूंगा। भाई के जितने लोग हैं सबसे वोट उनसे हम प्रत्याशी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है सबसे आशीर्वाद लेना। अमेठी में सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक उनका आरोप है कि नगरपालिका के वोटर लिस्ट संशोधन में नगरपालिका के निवासियों का नाम काटा जा रहा है। विधायक का कहना है कि जाति, धर्म और पार्टी के आधार पर काटा जा रहा है। इस मामले पर विधायक राकेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। का काम जोरों से चल रहा है, लेकिन गौरीगंज नगरपालिका में जाति, धर्म और पार्टी के आधार पर जो नगर पालिका के निवासी हैं, नगर पालिका के गौरीगंज के मतदाता हैं, उनके भी नामों को वोटर लिस्ट से काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं सभी अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि ऐसा कोई षड्यंत्र में साथ न दें और जो मतदाता है, नगर पालिका का निवासी है, उसको वोट देने का अधिकार है। अगर उसको अधिकारों से वंचित किया जाएगा तो मुझे सड़क पर उतर के संघर्ष करना पड़ेगा। हरदोई में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें राम जानकी मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा राम जानकी मंदिर से आवास विकास बड़ा चौराहा, नुमाइश चौराहा से होते हुए शहर कोतवाली के पास कृष्ण प्रिया भवन में संपन्न हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर राजीव मिश्रा एडवोकेट शामिल हुए। इसके साथ ही कई लोग मौजूद रहे। यहाँ पर एडवोकेट श्री राजीव मिश्रा जी एवं श्रीमती प्रिया मिश्रा जी, जो कथा में मुख्य यजमान रहते हैं, उन्होंने जो भागवत जी का संकल्प लिया है, उस संकल्प का जो 11वां वर्ष है, आज 11वें वर्ष का 2रा दिन है, जिसमें श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा अनवरत होती है। श्रीमद् भागवत जी मनुष्य के दुखों को नष्ट करने वाला ग्रंथ है। श्रावस्ती में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बता दें, प्रसपा नेता मोहम्मद आलिम खान को हरियाणा के गैंगस्टर ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी है, जिसके साथ ही प्रसपा नेता पर धर्म को लेकर जातिगत टिप्पणी की। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद आलिम खान बीते विधानसभा चुनाव में 290 विधानसभा श्रावस्ती से प्रसपा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। पहले मैं एक बाइक दे चुका हूँ, मेरे साथ एक चोरी की घटना हुई थी सरोजनी नगर थाने के पास। अब उसके बाद से ही काफ़ी मुझे धमकी भरे फ़ोन आ रहे थे,
जो कट्टरपंथियों के थे। अच्छा। तो जिसका रीजन ये था कि मैंने बड़े मंगल पे एक बड़ा भंडारा कराया था अपने ऑफिस के पास। अच्छा, हनुमान जी वाला जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन भी दी तो कोई उचित कार्रवाई ना होकर और कोई मुजरिम नहीं पकड़ा गया। आज भी निरंतर कई बार बीच में रात को 12 बजे धमकी भरे फोन आते हैं और आज भी आया। आज कोई हरियाणा का था, नाम पूछने पर गैंगस्टर बता रहा था और उसने उठवाने और जान से मार दाने डालने की। लखनऊ में दुबग्गा इलाके में हुए निधि हत्याकांड के मामले में जीसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मौर्या ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मृतिका निधि और आरोपी सुफियान की पहले से मुलाकात और जान पहचान थी। इस बात की जानकारी दोनों परिवारों को थी। इस बात को लेकर कभी किसी भी परिवार ने कुछ भी शिकायत नहीं की। 302 IPC व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम सुफियान पुत्र मोहम्मद राजू निवासी बसंत कुंज कॉलोनी थाना दुबग्गा लखनऊ पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु हमारी टीमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और हर संभव प्रयास आरोपी की गिरफ्तारी का सुनिश्चित कराया जा रहा है। सर, क्या धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था शादी के लिए? देखिए, जो वादी पक्ष द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शादाब हमसे जुड़ेंगे। शादाब, लखनऊ से बड़ी ही भयानक घटना सामने आई है जिसमें प्रेमी द्वारा प्रेमिका को 4th मंजिल से फेंकने का मामला है। क्या कुछ नई अपडेट है इसको लेकर? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि ये कल देर रात का मामला है जब ये सुफियान नामक युवक ने निधि नामक युवती को छत से फेंक दिया। हालांकि जो ये परिवार वालों को आरोप है कि छत से फेंका गया है, लेकिन वही अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस अभी इससे इनकार कर रही है और साथ ही परिवार वाले धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मुकदमा इस पे लिख दिया गया है और साथ ही ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मौर्या जी हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवगत कराया है मीडिया को कि अभी फिलहाल जो तहरीर दी गई है उस हिसाब से मुकदमा लिख दिया गया है और इसकी जाँच की जा रही है कि हकीकत क्या है। और साथ ही जो आरोपी है वो अभी फरार बताया जा रहा है और साथ ही उसके 5 टीमें पुलिस की लगा दी गई हैं और ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष मौर्या ने ये भी बताया कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो आगे की कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। फिलहाल जो धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है तो ये एक बड़ा मामला है लखनऊ में, क्योंकि जिस हिसाब से परिवार आरोप लगा रहा है, सुफियान जो आरोपी बताया जा रहा है उसके परिवार वालों पे कि जोर जबरदस्ती उससे धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही थी कि धर्म परिवर्तन किया जाए, लेकिन जो पीड़िता थी वो इस बात से इनकार कर रही थी जिसके चलते वो छत पे गई और छत से उसको सुफियान नामक युवक ने धक्का दे दिया, फेंक दिया। आरोप यही लगाया जा रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि आगे क्या निकल के सामने आता है। फिलहाल अभी जो पुलिस है, पुलिस ने मुकदमा लिखकर आगे की कार्रवाई चालू कर दी है, 5 टीमें लगा के अभी ढूंढाई मची हुई है, दबिश दी जा रही है, जल्द से जल्द सुफियान नामक आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। जी मयूरी, धन्यवाद शादाब तमाम जानकारियों के लिए। खबर रायबरेली से है जहां डलमऊ प्राथमिक विद्यालय की 2 महिला शिक्षिकाओं में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में घटना के बाद भगदड़ मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग ने अभी तक दोनों शिक्षिकाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की है। रहता है बस किसी तरह से लड़ने, किसी से भी सर, प्रिंसिपल सर को तो आए दिन क्योंकि वो जेंट से वो नहीं उलझ पाते, फिर हम लोगों के ऊपर आएंगे। मतलब किसी तरह से लड़ने का मौका चाहिए, बाहर बैठ के आप क्लास डेली लगाएंगी ना, हमारी क्लास की। अच्छा, किस किसने आपको मारा है कल? किसने सर? एक ही मैडम है, वही। मैं क्या नाम मैडम? अनीता देवी सर। अनीता, स्कूल कौन सा है? ये प्राथमिक विद्यालय खलीलपुर। अच्छा, ये बताइए कितने लोगों के स्टाफ है यहाँ पे? यहाँ पे सर 4 लोगों का है। 4 लोग? 4 लोग टाइम से आ जाते हैं? हाँ सर, टाइम से आते हैं स्कूल तो सर, बिल्कुल टाइम से। राष्ट्रगान को लेकर झगड़ा हुआ?
बुलंदशहर में छतारी क्षेत्र के गांव नारायणपुर में सट्टा एवं जुआ खेलते समय लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में सट्टा एवं जुआ खेलते हुए कई लोग नजर आ रहे हैं। वीडियो रात का बताया जा रहा है। खबर अमेठी से है, जहां गांव के ही युवक ने नाबालिग किशोरी से बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना के संबंध में जानकारी दी, तो वहीं पीड़िता के परिजनों ने पीपरपुर थाना में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों की तहरीर के आधार पर टीम गठित कर आरोपी युवक की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। खबर औरैया जिले से है, जहां कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर फिर एक बार देखने को मिला। बता दें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक के पीछे दूसरे डंपर के टकराने की वजह से एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे ट्रक का क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये जो सवेरे में ड्यूटी के लिए आ रहा था, करीब 6 बजे थे, जब मैं आया तो क्लीनर खिड़की से नीचे उतर रहा था और गाड़ी में धुआं निकल रहा था। उसके बाद मैंने अपनी टीम को फ़ोन किया, हमारे अधिकारी लोग आए, एम्बुलेंस आई और ये आरसीसी वाले जो हैं भैया राजा जी, इन्होंने अपनी जेसीबी बुला करके वो ड्राइवर को निकाला, जिंदा सेफ निकाल के और हॉस्पिटल भेजा है। ओपीडा की जो एम्बुलेंस है हो गई है और हमारे अधिकारी सारे यहाँ प्रेजेंट थे। सीओ साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे, सीओ साहब आए हैं और हमारे राठी साहब और टीए साहब भी आए। हाँ, गोंडा में थाना कोतवाली देहात के रामनगर तरहर नए पुरवा में लड़की के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि लड़की खेत में पानी डालने के लिए गई थी, तभी पड़ोस के एक लड़के ने उसके साथ छेड़खानी की और मारपीट की, जिससे लड़की को गंभीर चोटें आई हैं। आनन फानन में परिजनों ने लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। मैं खेत में गई थी, गोभी में पानी डाल रही थी। राहुल आकर मुझे पकड़ लिए और मुझसे बोले गलत काम करने के लिए। जब मैं उन्हें मना की तो मुझे लत्ती मारकर नीचे गिरा दिए, मेरा कपड़ा फाड़ दिए और मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुझे बहुत मारा। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता है मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं कैसे हॉस्पिटल पहुंची, मुझे कॉल आया, ये सब बात मुझे नहीं पता है। जब मुझे होश आया तो मेरी मम्मी मेरे पास थी, मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। हमारी लड़की गई रही खेत में पानी डालने और पीछे से आया राहुल ने उसको पकड़ लिया, उसके साथ गलत काम कुछ करने का कहा। लड़की ने हमारी जब मना किया तो उसको लत्ती मारकर नीचे गिरा दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको धमकी दिया कि जो किसी को बताओगे तो तुमको जान से मार देंगे। उसके बाद उसने बहुत मारा, उसको मार के बेहोश कर दिया। जब हम पहुँचे खेत में तो लड़की हमारी बेहोश पड़ी थी। हमने चौकी में भी दिया और कोतवाली में भी दिया, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने एम्बुलेंस के लगे फ़ोन किया तो एम्बुलेंस भी नहीं आया हमारे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, लड़की के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरी घटना है? बिल्कुल मेहरी जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला बिहार जनपद गोंडा का है, जहां एक लड़की अपने खेत में पानी डालने गई थी। वहां पे कुछ लड़के घात लगाए बैठे थे लड़की के साथ छेड़खानी करने के लिए कोशिश की। लड़की ने जब उसे मना किया तो उसको जमकर पिटाई की। पिटाई करने के बाद वो वहां से फरार हो गए। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी तक थाने में कोई एनसीआर कोई एफआईआर कोई कागजात नहीं हुआ। क्यों अभी तक इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है? जी मयूरी जी, बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस प्रशासन की मिली भगत से ऐसे गोंडे जिले में कोई ना कोई कार्य होता रहता है। आज 10 दिन हो गया लेकिन अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत भी नहीं किया गया और आरोपी अभी खुला घूम रहा है। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए।
उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।